नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत चुनाव समाप्त होते ही नगर निगम में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जितने भी पार्षद हैं उनके द्वारा खूबियाँ गिनाई जा रही हैं, इनके द्वारा 5 साल में क्या कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं, ऐतिहासिक क्या कुछ कार्य हुआ है। कई जो है पार्षद महिला हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ योजना बना है। हालांकि अभी मैं आया हूँ पटना जिला के जो है वार्ड नंबर 31 और यहाँ के पार्षद हैं पिंकी यादव, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया था, इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल हुआ है, ऐतिहासिक क्या कुछ कार्य हुआ है, महिलाओं के लिए क्या कुछ किए हैं। इसके साथ साथ इस पंचायत इस वार्ड के सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिनको इन्होंने जीर्णोद्धार दिया है और आगे की क्या रणनीति है, बिहार सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो नववर्ष की जो है पिंकी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी संजय जी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, पटना के सभी नागरिकों को और मेरे वार्ड की जनता को नववर्ष की हार्दिक बधाई है। उनका जीवन जो है, भविष्य जो है, सुखमय और शांति में बीते, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जो हमारा नववर्ष है सबके लिए अच्छा और मंगलमय हो। अच्छा, आप लगातार वार्ड नंबर 31 से लगातार पार्षद हैं, ठीक है, तो इन मैं आगे की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन 5 वर्षों में आपकी क्या उपलब्धि रही, क्या कुछ विकास कार्य किए? मैं पिछले 15 वर्ष मुझे हो गया है इस क्षेत्र में, मतलब पटना नगर निगम में और पटना के जनता की सेवा करते हुए मुझे 15 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष पिछला 2007 से लेकर 2016 तक मैं वार्ड नंबर 31 की पार्षद रही हूँ और 2017 से 2022 अब होने जा रहा है मैं वार्ड नंबर 32 का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और इन पिछले 15 सालों में जो हमारा ये कंकड़बाग में ये क्षेत्र आता है, पोस्टल पार्क, अशोक नगर और बाईपास के दक्षिण का जो क्षेत्र है, जगनपुरा हो गया, पूर्वी रामकृष्णा नगर है, सोरंगपुर है, इन सभी क्षेत्रों का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, कर रही हूँ। तो ये जो क्षेत्र है जल जमाव का क्षेत्र रहा है, हरदम जो कंकड़बाग रहा है, कहते हैं कि पटना में कंकड़बाग जो है कटोरे के समान है और इसमें हरदम जल जमता ही जमता है। कारण यह कि देखिए, हम पहले मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि कंकड़बाग में है जल की समस्या, जब बरसात का टाइम आता है तो लगता है कि नाव वाव चलने लगता है, लेकिन कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अब वह वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ वर्षों की बात कहें तो यहाँ जल जमाव की वजह से कुछ परेशानियाँ हुई थी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह फेमस हो गया था, लेकिन अगर उसे छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इस तरह की समस्या है। तो आपने कैसे इस कार्य को करने की कोशिश की, कैसे? देखिए, जब मैं पार्षद बन के आई, सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी, जब 2007 की बात मैं कर रही हूँ, उस वक्त सबसे बड़ा चुनौती मेरे इस क्षेत्र का था क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। मतलब हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हुए भी ग्रामीणों वाला परिवेश था और ये जो इलाका है एकदम जलमग्न रहा, बरसात को छोड़िए सालों भर जलमग्न रहा करता था। रामविलास चौक, पहले जो अभी हम लोग कंकड़बाग में जगनपुरा या पूर्वी रामकृष्णा नगर ये सब सुनते हैं कि जल जमाव का क्षेत्र है, उस वक्त सिर्फ रामविलास चौक का नाम सुना करते थे कि जब बारिश हुआ पानी एकदम कमर तक है, जब बारिश हुआ पानी। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती वही थी उस वक्त, और रोड और नाले का विकास तो मतलब था ही, मगर सबसे बड़ा चुनौती जो था उस वक्त ये जल जमाव का ही था। और उस वक्त बाईपास में जो नाला बना हुआ है वो भी नहीं था, तो उस वक्त हम लोग के प्रयास से, मैं तो जब उस वक्त नहीं थी और अपने हाउस में भी अपने ही मुद्दे को, बाईपास के मतलब इलाकों को या हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे रोड चाहिए, नाला चाहिए, ये सब की बातें ही मेरे द्वारा उठाया जाता था और उनमें साथी पार्षदों का भी, क्योंकि सब तो नए ही थे और सबका क्षेत्र वैसा ही था। तो उस वक्त मुख्यमंत्री विकास योजना एक हुआ करता था, उस वक्त नया ही बना था, उस वक्त हमारे तत्कालीन जो कमिश्नर थे उसमें ये नया ही बना था। हाँ, ये जो मुख्यमंत्री विकास एक योजना थी तो मुख्यमंत्री के द्वारा वो दिया जाता था फंड, क्योंकि नगर निगम का फंड बहुत ही कम रहा करता, नगर निगम इतनी स्वास्थ्य योजना जरूर एक है, मतलब कमेटी जो है नगर निगम जो संस्था है वो स्वास्थ्य ऑटोनोमस बॉडी है, मगर उसका जो मतलब इतना इनकम नहीं था और निगम के द्वारा जो भी निगम निधि मिला, विकास निधि मिला करती थी वो बहुत ही कम थी। तो हम लोग का प्रयास रहता था कि हम कहीं से भी विकास निधि लाएं और अपने क्षेत्र में विकास का काम करें। तो तत्कालीन जो हमारे कमिश्नर थे उनसे हम लोगों ने
रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारा जो क्षेत्र है उन्हें जो यहाँ उस वक्त बरसात में ही उनको लेकर हम लोग आए थे, इतना पानी था कमर तक, इतना पानी। अनुपम के नहीं, अनुपम सुमन के बात नहीं हो रही है, ये 2007 की बात अच्छा, हो रही है। इस क्षेत्र का जो जल जमाव का जो कह रहे हैं ना कि लगा करता, तो उसी बता रही, जो मेरी पहली उपलब्धि जिसको मैं गिना सकती हूँ वो बता रही हूँ कि हम लोगों ने एक मतलब कच्चा नाला का पहले बताया कि उन्हें कि आप कच्चा नाला एक बनवाइए जो पोस्टल पार्क राम विलास चौक इंदिरा नगर होते हुए बाईपास में जाकर वो जो नाला है उसमें जाके मिले और यहाँ का जल जमाव की स्थिति। उन्होंने इस बात को समझा और नगर विकास में हमारी बातों को रखा। मैं उनका धन्यवाद करूँगी, उस वक्त के जो तत्कालीन कमिश्नर थे उन्होंने मेरी बातों को समझा और हम लोग के दुख दर्द को समझा, क्योंकि इतने पानी में खुद घूमना और हम मैं भी घूमना देखा कि बाप रे, यहाँ के लोग को बहुत त्रस्त हैं। और वो स्कीम जब आया और धरती पर उतरा वो स्कीम, तो राम विलास चौक का जो ये जल जमाव का जो था वो एकदम खत्म हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब तक आपने कितने सड़कों का जीर्णोद्धार किया? देखिए मतलब 15 वर्षों की उपलब्धि है जो मैं इस बार अपने चुनाव के लिए लाई हूँ और जो मैंने किया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड मैंने बनाया है और इसमें जो कच्ची नली गली योजनाएं हैं उसके बारे में है, जो मैंने वार्ड 32 में अभी जो किया है तो उसके अंदर देखिए 61 कच्ची नली गली सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है मेरे यहाँ। मतलब आपके कार्यकाल? हाँ, मेरे कार्यकाल में 5 वर्षों में। 5 वर्षों में? हाँ जी। और 24 सड़कें जो है वार्ड नंबर 32 में उत्तर के तरफ है, बाईपास के उत्तर में 24 सड़कें हैं और उसके दक्षिण में जो इलाका है जो एकदम ग्रामीण परिवेश था वहाँ कुछ भी नहीं था। चुनाव के वक्त 2017 में जब हम चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे थे तो लोगों को देखते थे तो गांव से भी बदतर स्थिति में वो लोग रह रहे हैं, सालों भर पानी लगा रहना, कच्चा ऊंचा गड्ढा वड्ढा, मतलब स्थिति समझ लीजिए ऐसा था कि जब घूम रहे थे तो कहते थे कि 10 साल रह लूँ कुछ कर लूँ ना, तब उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने आपका 10 साल प्रतिनिधित्व नहीं किया है, मैं तो भाई दूसरे वार्ड से आई हूँ, मगर अब अगर आपका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती हूँ और अगर आपको विश्वास है कि मैंने जो हम अपने वार्ड 31 का करवाते थे कि देखिए वार्ड नंबर 31 में आप जाके देखिए अगर काम नहीं हुआ तो मुझे वोट मत दीजिएगा, क्योंकि हम अपने काम के बेसिस पर ही आपके यहाँ आए हैं, अगर वहाँ काम हुआ है तो हम आपके यहाँ भी काम करेंगे। मैंने इस विश्वास को दिलाया है और पब्लिक मुझ पर विश्वास करती है, अगर कोई आता भी है तो उनको लगता है कि नहीं अगर मैम तब मुझसे कह दी पिंकी यादव से मैंने कोई बात कह दिया है तो ज़रूर 2-4 महीने 6 महीने में वो जगह पर काम होगा, एकदम होना ही होना है। और यही मेरे इस विश्वास को और उन पब्लिक का जो विश्वास है मेरे ऊपर उसी का नतीजा है कि आज जगनपुरा में हर गली गली में नाला और रोड है। सबसे बड़ी बात है जगनपुरा जो मेन रोड है, 2017 की बात है जब हम लोग चुनाव जीत कर आए तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए वही थी कि वहाँ का जल जमाव, वहाँ पर नाला और रोड। तो हम लोग के अथक प्रयास से उस वक्त के तत्कालीन जो कमिश्नर थे बिना उनके सहयोग के तो ये सब होता नहीं है, उनको अपने क्षेत्र में लाए, उनको घुमाया हमने कि देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है ये और पटना के लिए तो एशिया लेवल पे जो है मतलब कहा जाता है बहुत बड़ा कॉलोनी है। हाँ मतलब ये सब चीज़ है, देखिए आप इसमें इतना तो नाला है न रोड है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त स्कीम बनाया, 2 स्कीम मेरे वार्ड के लिए थी, करोड़ों की योजना थी वो, और उस वक्त ये बनाने मनने मतलब सब प्रोसेस में था और उसके बाद ही जो जगनपुरा मेन रोड जो चिपुरा तक जाती है, मगर ये कहिए कि वो कार्य विकास का नगर निगम से ना होकर सरकार ने खुद ही उसको प्रपोजल को सरकार के पास चली गई और सर गवर्नमेंट ने खुद उसको बनवाया जी। तो वो मेरे आने के बाद ही वो उस पर, क्योंकि हमने उनसे कहा कमिश्नर साहब से बोले बहुत बड़ी योजना है ये नगर निगम से नहीं होगा, हम सरकार में रखेंगे वहाँ, और मतलब कहा जाए कि बन गया वो बना। और उसके बाद धीरे धीरे करते वो शुरुआत था, और जब शुरुआत अच्छा होता है ना तो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। और उस जगह आप जाकर अगर जगनपुरा क्षेत्र में देखिएगा आप जाकर तो कोई ऐसा गली नहीं है, हाँ अभी मैं कहूँ कच्ची है ही, डेवलपिंग वार्ड है तो है ही, मगर 100 में से 80% जो है काम हुआ है। अभी भी कुछ इलाके हैं जो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, अभी है वो, मगर उस पर भी मेरा है ध्यान और मैं प्रयास कर रही हूँ कि नगर निगम से हो चाहे राज्य विकास निधि से हो या फिर केंद्र को योजना ऐसे में नगर विकास से कुछ लेकर आएं और करवाएं काम उसके ऊपर। अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन में मैं आपको बता रही हूँ पूर्वी रामकृष्णा नगर हरदम चर्चा का विषय रहा है और ये पूर्वी रामकृष्णा नगर जो है चांगड़ बाईपास से दक्षिण के तरफ जाता है, बहुत ही घनी मतलब ऐसा रोड है जो
मतलब हजारों की संख्या में लोग की आवाजाही इसमें होती रहती है, और पिछले 10 वर्षों से उसमें तो कुछ काम हुआ ही नहीं था, मगर पिछले 5 वर्षों से जब मैं वार्ड का प्रतिनिधित्व करने लगी इधर, तो मेरा प्रयास रहा कि मैं उसे पथ निर्माण में दिलवाऊँ, कहीं से भी इसमें काम करवाऊँ, तो क्योंकि अगर वहाँ रोड बन जाता तो वो लाइफ लाइन है लोगों के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए वहाँ पे आराम हो जाता। तो मैंने पथ निर्माण में दिया, नगर निगम के बूते के बाद वो भी नहीं है, क्योंकि उतने पैसे में छोटी मोटी और गलियाँ बन जाती है। फिर नगर विकास में गए, फिर पथ निर्माण में कितने 2-3 साल वहाँ चक्कर लगाए, कहते ना कि जूते घस जाते हैं, वही हाल हम लोग का था। फिर इत्तेफाक से ग्रामीण कार्य विकास से ये कार्य हुआ, वहाँ जाकर हम लोग ये कहीं से भी काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हाँ, वहाँ ग्रामीण कार्य विकास के जो थे सचिव पंकज पाल, जो पहले नगर निगम में कमिश्नर थे हमारे कार्य में, वो हम लोग को पहचानते थे, ये कहिए क्रेडिट कहे कि अरे आप लोग, बोले हमारा ही क्षेत्र है, तो कहते आप तो दूसरे क्षेत्र में थे, अब यहाँ पंकज पाल भी तो लगता है कि कमिश्नर थे, वही हाँ, उस वक्त हम स्टैंडिंग कमेटी में भी थे जब वो कमिश्नर थे, और अफजल जी मेयर थे, और हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में थे। तो इससे था कि बोले कि अरे नहीं, उसमें नाला का निर्माण नहीं था और रोड ही खाली था, तो हम लोग ऐसा क्यों पास कर दिए, दोनों कीजिए, नाला और रोड, अब दोनों हो गया है और अब इस पर कार्य चल रहा है, और 100% में से 60% वो भी हो गया, और बाकी है कुछ 1-2 महीना में वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीना कार्य बचा है उसमें, नहीं वो तो हाथ लगा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 चीज़ योजनाएं ऐसी हैं जो उस इलाकों के लिए मतलब लाइफ लाइन है, अब ये रोड बन जाएगा, सारी जो लिंक रोड्स हैं सब उसमें मेन नाला में कनेक्ट हो जाएगा, तो जल जमाव का जो समस्या है वहाँ के लोगों का सब खत्म, सब नहीं मगर खत्म हो जाएगा। तो हाँ, 80-90% का तो पानी, तो क्योंकि देखिए एक टेम्परेरी सम्प हाउस भी अभी चल रहा है जगनपुरा मेन रोड पर, वो भी हम लोग जो आप बोल रहे थे जो 2019 में जो जल जमा हुआ और पूरा पटना और पूरे एशिया में या समझ लीजिए वर्ल्ड में फेमस हो गया, चर्चा का विषय हो गया, उसके बाद ही हम लोग के अथक प्रयास से वहाँ पे टेम्परेरी सम्प हाउस बना है, और वो अब सालों भर चालू रहता है, और वहाँ का जो सालों भर पानी लगा रहता था कुछ इलाकों में वो उससे। कोरोना काल में आपका क्या कुछ रहा, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब बरसात ख़त्म हुई, जो 2019 की बात कहें, जल जमाव की स्थिति ख़त्म हुई, उसके बाद कोरोना काल में आपका क्या योगदान रहा इन इसके द्वारा? कोरोना तो वैश्विक महामारी जो आया हम लोग के 2 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं, और हम लोग ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास दो तरह के ही लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, और जो हाई फाइल जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उन्हें उन पर तो ये प्रभाव इतना ही कर पाया है, और वार्ड पार्षद के नज़दीक कौन आता है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है, और हमारे नज़दीक वही लोग आते हैं जो निम्न वर्ग के हैं, जो मज़दूर हैं वो आते हैं, चाहे जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वही लोग हमारे पास आते हैं। तो कोरोना में शुरुआती जब था, जब नया नया ये आया कोरोना, तो इतना लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया, मतलब ये आर्थिक रूप से इतना प्रभावित नहीं किया था, क्योंकि सबके पास जमा, कोरोना से जो है या लॉकडाउन से सबसे शहरी क्षेत्र ही ज़्यादा प्रभावित। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वही लोग बसते हैं जो कहीं काम करें छोटा मोटा, तो उनके लिए प्रभावित, जब बंद हो गया तब तो उनका रोज का जो कमाते खाते थे उनके लिए तो प्रभावित होगा ना, मगर जब लोग मेरे पास आने लगे कि कुछ मैडम कुछ उपाय कीजिए, अब हम लोग समस्या को कैसे झेलें, तो क्योंकि सरकार से, तो देखिए सरकार क्या की थी, 2-3 जगह 4 जगह जो ये खाने का बनवाई हुई थी, जैसे एन कॉलेज में, इतने दूर क्षेत्र में एन कॉलेज में खाने का था व्यवस्था, तो मेरे द्वारा नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा, पार्षद तो कुछ कर ही नहीं रहा था क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं था करने के लिए, इसमें गवर्नमेंट जो थी अपने स्तर पर सब कर रही थी, मगर इस कंकड़बाग इलाके के लिए, एक तो रघुनाथ स्कूल में बाद में था, और उससे पहले एन कॉलेज, ये क्या था यहाँ पे एन कॉलेज है ना, नहीं वाणिज्य कॉलेज, वाणिज्य उसमें ही था, हाँ रघुनाथ वाणिज्य में ही मेन था, तो वहाँ पर जो मेस बना हुआ था वहाँ पे लोग को जाना, वहाँ जाके खाइए लीजिए सब, मगर क्या होता था कि लोग, हम कहते थे कि ठीक है, पहले शुरू से हम गए कि जाइए वहाँ पे बन रहा है जाइए, जब बेचारे लोग जाते थे तो पुलिस क्या करती थी, उनको डंडे मारकर आधे रास्ते से ही भगा देती, कहाँ जा रहा है, जोड़ो भागो भागो। जैसे बहुत लोग हुआ जब मेरे पास आए, तो हमको भी दम देखा नहीं गया, हम उसके बाद डीएम के पास गए,
मुलाकात करने के लिए। बताइए उस कोरोना में जब लोग इतने भयभीत थे, हम लोग गए डीएम के पास मिलने के लिए, उनसे समय मांगा कि दीजिए आपको कुछ अपनी बातें बताए दर्द, तब ना आप समझिएगा। हम लोग कहे कि जिनका राशन कार्ड है ना, हम लोग जैसे उस वक्त राशन कार्ड जमा हुआ था थोड़े दिन पहले, कि जो राशन कार्ड हमने जमा किया है उसी को आप अभी तुरंत तत्काल कर दीजिए, सबको मिल जाएगा, तो कम से कम राशन तो सबको मिलेगा। मगर उनसे मुलाकात नहीं हुआ। हम लोग अपना एक जो ले गए थे प्रपत्र ले जाकर उनको दे दिए। उसके बाद हम लोग ने अपने स्तर पर, मतलब अपना जो निजी स्तर होता है उससे, अपने और अपने वार्ड के लोगों से अपील किए कि हम लोगों को अब मिलजुल कर ही इस अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान करना है। तो हम लोग और कुछ ऐसे समाज सेवी लोग हुए जो थोड़े से जो थे हेल्पफुल, जो चाहते थे कि भाई सबको, उन्होंने हम लोग को सहयोग किया। इतना सहयोग किया है कि पूरे कोरोना में 2 साल हमने लगातार, मतलब जिनको जरूरत था उनके घर घर अनाज पहुंचाया है, उनको घर घर हमने अनाज पहुंचाया है सबको। ऐसा कोई घर नहीं जो जरूरतमंद जिसको कहते हैं, और जब मालूम चल जाता था कि हाँ हो सकता है हम वहाँ तक नहीं पहुंचे हों, फिर मालूम चला तो उनके घर खुद पहुंचाना, और सब जगह जा के, मतलब कोरोना में सब जगह हमने अनाज जो हमसे अपने स्तर पर हमसे हो सका है वो हम किए हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों का जो है राशन कार्ड बन चुका है, और दूसरा की पेंशन के लिए भी आवत कितना बना होगा? देखिए अभी तक मेरे वार्ड में 3500 लाभुक है राशन कार्ड के। हाँ। और पेंशन? और पेंशन का है जो मेरे यहाँ वृद्धा पेंशन भी है, बहुत है उसमें, तो अभी मुझे उसका आंकड़ा हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि पहले अब ऑनलाइन हो गया ना, तो जो आता है उसको तो हम करके देते ही हैं और उसमें लगे रहते। पहले था कि लिस्ट विस्ट हम लोग के पास रहता था तो हम लोग पूरा अपना बताते थे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितनों, हालांकि मैं सभी जगह मैं जा रहा हूँ तो एक ही समस्या आ रहा है कि हम लोगों ने आवेदन दिया है लेकिन पास नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है? बताते हैं, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है लगभग 3 साल हो गया इसको जब से ये चल रहा है, और इसका एक शुरुआत था, पहले फॉर्म भराया, उसके बाद गया और हम लोग ने ऑफिस में भेजा, फिर वहाँ से आया, फिर लोगों में गया देखने के लिए, सर्वेक्षण के लिए जाता है कि क्या निरीक्षक करता है कि जिन्होंने भरा वो सही है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो सब। फिर उसके बाद जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया उनको फिर फ़ोन करके बुलाया गया, फिर उनसे ज़मीन के पेपर्स जो जो कागजात चाहिए थे वो सब लिया गया, फिर उनका जाँच। ये जो प्रोसेस जो चल रहा है ना, इस प्रोसेस में वो लेट हो रहा है, अभी लेट हो रहा है। हाँ, और अभी तक मेरे वार्ड में 55 लोगों का नाम आया है जो जेन्युइन, मतलब जो पूरे कागज जेन्युइन तो सभी हैं, जो भरे हैं सब जेन्युइन, मगर जो कागज पत्थर से सब सही रूप में है वो 55 लोगों का है, और अभी उस पर कार्य चल रहा है, अभी उनके हाथों में मिला नहीं है मगर प्रोसेस में है। बिहार सरकार से क्या कुछ डिमांड करते हैं अपने वार्ड के विकास के लिए, विशेष पैकेज? देखिए मेरा वार्ड जो है पटना का डेवलपिंग वार्ड कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मेरे वार्ड में जाइएगा तो अगर आप 1 महीना उस वार्ड में कहीं नहीं घूमे तो 1 महीना बाद आप जाइएगा तो देखिएगा 2-4 नया घर और 1 रोड की रिक्वायरमेंट, बिजली का पोल, लाइट, पानी, ये जो मूलभूत नागरिक मूलभूत सुविधा होती है वो सब की ज़रूरत आपको तुरंत 1 महीना में दिख जाएगा कि हाँ फला गली में ये काम चाहिए। तो जो हम लोगों का है माननीय मुख्यमंत्री जी से, भाई यही मेरा रहेगा विकास, मतलब अपना रिक्वेस्ट रहेगा, डिमांड रहेगा कि जो डेवलपिंग वार्ड है आप पटना में इतना काम करवा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, तो मेरा तो जब पटना का मास्टर प्लान पास हुआ था, महानगर पालिका जो कमेटी का गठन हुआ था, जब ये मास्टर प्लान पटना का पास हुआ था उस वक्त मैं भी उसमें थी कमेटी में, और हमारे द्वारा हम लोग ने उसे पास किया, और उसमें वक्त मैंने अपोज किया था कि आपका जो ये मास्टर प्लान है और आप उसमें जो मतलब जिस तरीके से हर 5 वर्ष के बाद हर इलाके का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, तो मेरा जो ये क्षेत्र है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, बाईपास का जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट 30 साल पीछे चला जा रहा है, मतलब वो सबसे लास्ट फेज में था। तो मेरा उनसे अनुरोध था कि देखिए इस पर आपको गहन चर्चा करने की विषय है, और 1 दिन में ये पास नहीं हो सकता, ये प्लान पूरा मास्टर प्लान पटना का 1 दिन में पास हो जाएगा, मगर सरकार का दबाव था और मुझे वहाँ पे चैतन्य, उस वक्त के प्रधान सचिव जो थे चैतन्य प्रसाद थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैम आप जो बोल रही हैं आज पास कर दीजिए, आपकी बातों पर रखा जाएगा ये वो, मगर मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको वहाँ काम करना चाहिए जहाँ काम करने में आसानी हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, आप सब कुछ अच्छे से कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं,
और कुछ भी वहाँ पे आपको बिगाड़ नहीं सकते हैं। मतलब अभी निज क्षेत्र में काम कर रहे थे, रोज देख रहे हैं कि आप सड़क ही टूट रहा है, फिर बनाना है, और वहाँ तो सब कुछ है ही नहीं। तो आप जो भी काम कीजिएगा आप अच्छे से कर पाइएगा। तो मेरा उनको ये सुझाव था, अभी भी यही सुझाव रहेगा कि जो भी कार्य आप करवा रहे हैं तो कम से कम डेवलपिंग एरिया में जल्दी करवाइए। वहाँ पे अगर आप पानी का कनेक्शन देना चाहते हैं तो पहले पानी का कनेक्शन दीजिए, लाइन अंडरलाइन वायरिंग करना चाहते हैं तो वो करिए, फिर आप नाला बनाइए, रोड बनाइए, एकदम आपको सिस्टमेटिक वे में होगा। और मास्टर प्लान जो पटना का स्मार्ट सिटी की जो कल्पना है, जो अब इस गहन इलाके में आप मास्टर स्मार्ट सिटी की कल्पना करना भी परे है, मगर उन इलाकों को आप स्मार्ट बना सकते हैं। वहाँ पे आपको सुविधा, नया पटना, नया जो पटना बनेगा वो आप उधर ही बना सकते हैं। अंतिम सवाल आपसे यह है कि अब चूंकि 3 महीने के बाद फिर कार्यकाल समाप्त होगा, तो क्या मैनिफेस्टो क्या है इस बार, आप क्या स्पेशल करने के लिए सोचे हैं? 3 महीने के बाद हमारा पार्षद का जो कार्यकाल समाप्त होगा और नए चुनाव की हम लोग की मतलब सरगर्मी शुरू हो जाएगी, तो मेरा इस बार रहेगा कि जो मैंने अपना पिछला विकास का कार्य किया है, अगर जनता को लगे कि मैंने सही किया है और आप लोग उस पर दम, मतलब आपके कहने पर मैंने किया, अगर भी कुछ बनाया होगा ना, क्या हाँ मैंने बनाया है, ये है अपने कार्य का जो मैंने इतने पिछले वर्षों में 15 वर्षों से जो मैं करते आई हूँ, जो भी विकास का काम मैंने अपने क्षेत्र के लिए किया है उसको मैंने एक इस तरह से तैयार किया है प्रपत्र के रूप में, और इसमें मैंने अपनी सारी बातों को रखा है कि मेरी उपलब्धियां क्या है और मैं आगे आपके क्या रणनीति रहेगी, नहीं मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकती हूँ, ये हाँ। तो मेरा अब है कि रोड और नाले से ऊपर मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ शिक्षा में मेरे सब खाली प्राथमिक विद्यालय ही है, तो मैं चाहती हूँ उसको उत्क्रमित किया जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बाईपास के बच्चों को जो मतलब है निम्न वर्ग के, चाहे जो सरकारी स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को जाना पड़ता है रघुनाथ स्कूल, चाहे राजकीय जाना पड़ता है, बाईपास पार करके आना पड़ता है, और ये बहुत ही मतलब रिस्की चीज़ है कि बाईपास पे रोज़ दुर्घटना होता है, इस तरह का चीज़ होता है। तो हम लोग का यही रहेगा कि अब हम ऐसा करें कि हमारे जो उधर बाईपास में जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, उसको ही उत्क्रमित करके मध्य और उसके बाद उच्च माध्यमिक तक उसको बनाया जाए, हाँ। और स्वास्थ्य में, क्योंकि 2-3 इलाकों में स्वास्थ्य, हम लोग के वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, तो अब हमारा रहेगा कि हम स्वास्थ्य पर अपने, क्योंकि साफ सफाई पर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, शिक्षा के साथ शिक्षा, हाँ नहीं देखिए अभी हम लोग नाला नाली रोड और साफ सफाई, हाँ निजात पाली, अब सफाई पर भी हम लोग का कंट्रोल आ गया है कि सफाई भी डोर टू डोर हो रहा है, यह सब चीज़ हो रहा है। तो उसके बाद मेरा यही एक मुद्दा मतलब है मेरा कि हम इसमें पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फिर महिलाओं के विकास के लिए भी ध्यान देना है कि महिलाएं किस तरह सुदृढ़ हों, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण का ही प्रारूप हम लोग दिख रहे हैं, जो पटना नगर निगम में 50% से ज़्यादा हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सशक्तिकरण का एक प्रारूप ही है और मिसाल है। तब वही चीज़ जो हम लोग को जो शक्ति मिला है उसको मैं अपने क्षेत्र में महिलाओं में अगर मौका मिला तो पटना में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को किस तरह सुदृढ़ बनाया जाए और समाज में कैसे वो अपने आप को फेस करेंगी, शिक्षा स्वास्थ्य, क्योंकि महिलाओं को स्वस्थ रहना भी जरूरी है और शिक्षित रहना भी जरूरी है, और अपने हाँ ये तीनों चीज़ों के लिए हम लोग को लड़ना है। मैं इस पर क्योंकि मेरा हरदम सोच रहा है, अभी नहीं मैं मतलब पार्षद बनने से पहले भी मेरा यही सोच रहा है कि महिलाओं के विकास के लिए कैसे उसको सुदृढ़ किया जाए, इस पर मैं सोचती आई हूँ। और शादी से पहले का भी मेरा यही रोल रहा है, हम लोग अपने कॉलेज में, स्कूल में भी हम लोग प्रतिनिधित्व करते आए हैं और इस तरह चीज़ों में भाग लेते रहे हैं। तो अब इस क्षेत्र में जब हमको मौका मिला है तो इस मौका को पूरा हम इसका उपयोग करना चाहते हैं, ताकि इसका जो फल आए अच्छा, जो आपने सीखा तो वो आगे भी मार्गदर्शन मेरे पास जो आती भी है महिलाएं और बच्चों के विकास के लिए भी, ताकि कोई बच्चा जो इधर उधर न घूमे, स्कूल तक उसको पहुंच जाना है। इस बार मेयर का जो इलेक्शन है वो पब्लिक करेंगे, तो क्या इस बार आप खड़े हो आप खड़े होने वाले हैं क्या, कुछ क्या योजना है? हाँ मेयर के लिए तो भाई क्यों न खड़ा होना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास 15 सालों का अनुभव है और पटना के विकास में मेरा भी अहम भूमिका है, मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया है, उस विकास को लेके मैं पटना की जनता के सामने रखना चाहूँगी कि देखिए मैंने अपने क्षेत्र में जो विकास किया है मैं उस तरह से पूरे पटना के लिए भी कर सकती हूँ, करने की क्षमता रखती हूँ, और आपका प्रतिनिधित्व मतलब जनता का प्रतिनिधित्व सरकार के सामने पुरजोर से कर सकती हूँ, और उनकी समस्याओं को जो पटना में हम झेल रहे हैं
उन चीज़ों को पब्लिक के सामने दिखा सकते हैं कि हाँ आपकी समस्या का समाधान जो है मैं मजबूती से कर सकती हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से पिंकी यादव हैं, इन्होंने कहा जी एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको भी नहीं बताई है कि एक फ्लाई ओ हम लोग डिमांड किए हैं कि जो जगनपुरा और आरएमएस को जोड़ता है बाईपास को, वहाँ एक फ्लाईओवर का डिमांड हम लोग की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सरकार से मेरा निवेदन होगा, क्योंकि बिहार सरकार की चीज़ है ये, एनएच का मामला है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप गवर्नमेंट के भी हर लोग इधर से आते जाते हैं, तो उनको दिखता होगा कि जो आरएमएस और जगनपुरा को जो जोड़ने वाला है वहाँ पे हजारों मतलब स्कूल का 4-5 स्कूल है, जनसंख्या अब उतना ही है, और रोज अब तो स्कूल में मतलब जब भी चलता है तो उतना ही रोज आवा जाए, हजारों गाड़ी और रस रहता है, बड़ी बड़ी स्कूल की गाड़ियां है, कभी भी कोई दुर्घटना घट जाएगा, लोग पैदल चलने वाले उतने ही हैं, साइकिल से चलने वाले, मोटरसाइकिल से चलने वाले, और एनएच पे तो जो ट्रकों का रेला चलते रहता है बहुत ही आए दिन दुर्घटना होता है। तो अगर हम फ्लाईओवर का मांग कर रहे हैं कि एक फ्लाईओवर बने जो इस पार से उस पार के लोगों को कनेक्ट करे, जगनपुरा से, हाँ जगनपुरा से आरएमएस कॉलोनी, हाँ उत्तर की तरफ, तो अगर वो बन जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की, मेरे लिए सरकार के लिए और पब्लिक के लिए, जनहित का मामला है ना। जो आदमी नीचे से जो चल रहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला रोज हो रहा है, कम से कम उन लोगों को निजात मिल जाएगा। ऊपर से जाने से तो ये रस भी बचेगा, और क्योंकि इतना काम पटना में फ्लाईओवर का हो रहा है तो इस पर भी ध्यान देने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगी। तो आपने सुना कि किस तरह से पिंकी यादव हैं, इन्होंने कहा कि भाई एक जगनपुरा से आरएमएस कॉलोनी तक जो है एक फ्लाईओवर का निर्माण हो, ये बिहार सरकार से मांग की है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो आने वाला चुनाव है, जो मेयर का चुनाव है, उसमें भी शामिल होंगे और लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने वार्ड को बेहतर बनाया है, ये चाहते हैं कि पूरे पटना ज़िला को भी बेहतर बनाए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो हैं पार्षद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।